आप सभी को नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के ट्रेजरर, सेक्रेटरीज और दूसरे साथियों, ये एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं क्योंकि ये पहली बार हमारे नेता इस चंद इश्यू पे वो कहेंगे और राहुल जी भी अपनी बात आखिरी में रखेंगे। मैं एक आपका समय 7-8 मिनट लूंगा और बाकी डिटेल्स में कुछ कहना है उसको टेक्निकली हमारे ट्रेजरर आपसे संबोधित करेंगे। दोस्तों, ये तो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है। देश का हर एक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है, एसेंशियल होता है। साथ ही ये भी अवश्य होता है कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो, ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संविधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे IT, ED, इलेक्शन कमीशन, इन अपने दूसरे ऑटोनोमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकल कर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है। और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और
ना लड़ पाए, ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना, चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर ये स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। देश की जनता, एक आम नागरिक एक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं, वही कांग्रेस को 11% ही मिले हैं। और ये वो पैसे जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं, इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है, और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। ये पहली बार ये सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है, और इनके 5-स्टार ऑफिसेस है बड़े बड़े हर जगह आप देखिए, और 4-4, 5-5 फ्लाइट एक एक मीटिंग को जाते हैं, और उनके पीछे और 2-4 जाते हैं। एक एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शायद ही कोई पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कर सकती मुकाबला। मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे, और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, सच है ना? सेटल हो जाए, राजनीतिक दल नहीं आते,
बीजेपी ने कभी नहीं दिया काउंट। इसके बाद भी अगर हमसे ये मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम न्यायालय तो इस बात को देखे, कानून को देखे, रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस जो संविधान के तहत होता है उसके तरफ तो ध्यान दे दो, क्योंकि आज वो हुकूमत में है, कल दूसरी पार्टी आएगी, लेकिन हमको ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो हमने पहले से बनाया था नेहरू जी से लेकर हम 89 और बाकी के लोग भी, जब इवन वाजपेयी थे उस वक्त भी ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ ये 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है इसमें हम सब देख रहे हैं, ये कुचल रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, और हमको चुनाव लड़ने के स्थिति में वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, और पैसे को तंग तबाह करके वो एक तरफा इलेक्शन कर लेना चाहते हैं, लेकिन लोग भी होशियार है, इसको जानते हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड बने रहने के लिए ये उनके जो बाधक है और जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं वो तत्काल उसका रिलीज होना चाहिए, और हमको चुनाव में डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया कांग्रेस अध्यक्ष जी। मैं अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि आपको संबोधित करें। Well, the issue we are taking up today is extremely serious. As Congress President has just mentioned, this issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen, and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kargeji, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. Thank you. शुक्रिया सोनिया जी। मैं अभी हमारी AICC के कोषाध्यक्ष अजय माकिन जी से गुजारिश करूंगा कि आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। धन्यवाद जयराम जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षा ने
आप लोगों को बताया कि लोकतंत्र के ऊपर किस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का है? और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले एक महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए अखबारों के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हमको सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करना है, हमको पोस्टर छपवाने, हमको पैम्फलेट छपवाने, अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते तो किस प्रकार से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसा लोकतंत्र है ये? मैंने पिछले सप्ताह आप सब लोगों के सम्मुख मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है, लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को दी मिल गई है, आप सब लोगों के आ गई है, आप जरा देखिए, ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया, और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने के ये कवायद शुरू होगी, तो ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा, तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। हम लोगों के पास में मुख्यतः 3 बातें हैं कहने की। हर पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है, कभी किसी ने भी पेनल्टी इस तरीके से नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी को अकेले क्यों चुना जा रहा है? दूसरा, इसकी टाइमिंग देखिए, 2017-18 का मोतीलाल वोरा जी के टाइम का और 1994-95 का सीताराम केसरी जी का समय, और केवल एक महीना पहले चुनाव के घोषणा होने से पहले यह काम शुरू किया जाता है। और तीसरा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिशमेंट। क्या हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी, उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई, 106% की, कितना 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हम लोगों के ऊपर लगाई गई है, ये क्वांटम। हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सबमिट करे। ये इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है, इसका सेक्शन 234F ये कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोई भी लेट अपना इनकम टैक्स सबमिट करे, केवल 10,000 रुपए। और हमारे ऊपर 210 करोड़ रुपए का 210.25 करोड़ का 210.25 करोड़ का लियन मार्क कर दिया गया, 10,000 की सिर्फ पेनल्टी, सिर्फ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया, ये कहां का न्याय? 115 करोड़ रुपए फोर्सफुली हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करा दिया गया, वो अब हमारे पास में नहीं है।
115 करोड़ रुपया बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके धमका करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने हमारे अकाउंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार को वापस ट्रांसफर करा दिया। मैंने बताया जैसे पिछले 5 हफ्ते से 1 महीने से भी ज्यादा हम अपने पैसे जो हमारे वर्कर्स ने इकट्ठे करे हैं वो हम इसका उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। ये कहां की डेमोक्रेसी है, ये कहां का लोकतंत्र रह गया? तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये केवल हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन ये आप लोगों की भी लड़ाई, मीडिया की भी लड़ाई है, देश की जनता की लड़ाई है। अगर आप इसके अंदर हमारे को समर्थन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। धन्यवाद। हमारा टोटल जो है 14,40,000 बनता है जो 0.07% है, तो सिर्फ 14,40,000 जो हमारा 0.07% है उसकी वजह से हमारे को ऊपर 210 करोड़ रुपए से भी अधिक का हमारे ऊपर लियन मार्क करके हमारी पेनल्टी लगाई गई है। तो आप सोचिए 14,40,000 के बदले 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई है, ये कहां का लोकतंत्र है? शुक्रिया अजय माकन जी। आखिर में मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। ये डिटेल्स आपको अंग्रेजी में अभी अजय माकन जी देंगे। फ्रेंड्स, देयर हैज बीन एन असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। आर अकाउंट्स हैव बीन फ्रोजन सिंस लास्ट मोर देन 1 month, सिंस लास्ट अराउंड 5 weeks और सो वी हैव बीन अनएबल टू यूटिलाइज आवर ओन फंड्स इन द बैंक। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट a case, income tax case pertaining to 2017-18, which is 7 years back, on that basis income tax has served us notice for 210 crores 25 lakh rupees. That amount of lien was marked against the Congress party in all our accounts, and effectively we are unable to utilize our 285 crore rupees, our own money which is lying in the bank. The most important thing is the timing and the exemptions which all the political parties enjoy. When all political parties enjoy income tax exemption, then why is it being slapped on the Congress party? Never it has happened in the past that the BJP had to pay any kind of penalty, any kind of income tax. Then why is it that the Congress party being singled out? The timing is such that 7 years old case, it seemed that the BJP was waiting for the elections to come, and just 1 month before the elections were to be announced, they froze our accounts. So imagine, how can it be a level playing field? We don't have money to give to our candidates. We don't have money to publish our pamphlets. We don't have money to organize our public meetings. We don't have money to book advertisements in the social media or in the newspapers. So how are we going to fight the elections, or how is democracy still alive in the country where the principal opposition party is unable to spend even a single penny in the elections? And it is not only this, the government has not stopped only on this 2017-18 notice. We have been slapped with another notice last week, and it pertains to 1994-95 during Sitaram Kesari when he was the treasurer. So imagine, we are being slapped with a notice, income tax notice, 30 years back, pertaining to account 30 years back, and just at the eve of election, so that we are unable, our accounts are crippled and we are unable to use our own money for the elections. So please, this is the time when it is not only fight for the Congress party, our own fight alone, it is, we have to all fight together to save democracy. The Income Tax Act, Section 234F, allows maximum penalty of ₹10,000 for late submission of income tax returns. Maximum penalty of 10,000 rupees. But on the contrary, Congress party has been slapped a penalty of 210 crore rupees against a violation of just 14,40,000 which we deposited in cash and 30 days delay. So the quantum of punishment is totally unmatched with a trivial mistake, you may say, or small kind of thing which has been done in then 7 years back, which can easily be condoned. Thank you very much. Shukriya Ajay Baba. Aakhir mein abhi Rahul ji aapko sambodhit karenge.
thank you for coming here this morning. If any of you imagine, anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress Party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country. There's the election commission in the country. Right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Markanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress Party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. And no court is saying anything. No election commission is saying anything. No institution is saying anything. Media is not saying anything. It's ridiculous. And it's your duty. No, and I'm not just speaking to the media. It is the duty of all the institutions of this country. It's the duty of the people of this country. You're being robbed of your most important asset. You're being robbed of your constitution, you're being robbed of your democratic structure, you're being robbed of the entire architecture, and everybody's just quiet. I can say it in Hindi. Ek mahine pehle, Congress party ke sare bank account freeze kar diye gaye. आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है. अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं. वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है. एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा. सब ड्रामा देख रहे हैं. 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं. हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते. आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते. हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते. और क्यों? 14 लाख रुपए, 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इश्यू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन.
और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन मिलेगा लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र, ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें, कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, कांग्रेस अध्यक्ष जी, सोनिया जी, राहुल जी ने और दूसरी जरूरी बैठक से निकलकर यहाँ आए हैं आपको संबोधित करने के लिए, उनको उस बैठक में वापस लौट जाना है। आपके सवाल हमारे कोषाध्यक्ष विस्तार से जवाब देंगे। मैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया जी और राहुल जी को शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। नो, वन सेकेंड, लुक, वन सेकेंड, लुक, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट फ्रीजिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टीज बैंक अकाउंट्स, दिस इज द फ्रीजिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, सो वी आर अनेबल एज द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, वी आर अनेबल टू टेक एनी एक्शन। There is no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? Thank you. आप लोग सब लोग सेटल हो जाएं। सब लोग सेटल हो जाएं। अभी जैसे हम लोगों ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से हम लोगों के बैंक अकाउंट्स के ऊपर हमला हुआ, अकाउंट्स को एक तरीके से पूरा फ्रीज किया गया, लियन मार्क करे गए, हमारे 11 अकाउंट्स कुल 4 बैंक्स के अंदर थे और कुल 210 करोड़ से भी अधिक, कुछ बैंक्स के अंदर 135 करोड़, कुछ बैंक्स के अंदर 75 करोड़ रुपए के नोटिस दे करके लियन मार्क किया गया। और इसी बीच में इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने खुद जा जा करके
बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के हमारे बैंक से जबरदस्ती हमारे पैसे इनकम टैक्स के अंदर ट्रांसफर कराए, लगभग 115 करोड़ 32 लाख रुपए के अमाउंट के। और वो पार्टी जिसको पूरी ताकत के साथ में चुनाव के अंदर लोकतंत्र की भूमिका निभानी चाहिए, वो पार्टी चुनाव के अंदर लोकतंत्र की भूमिका निभाने की जगह इनकम टैक्स के ऑफिसेज, बैंक के मैनेजर्स के पास में और कोर्ट्स के ऑफिसेज के ऊपर चक्कर काट रही है, वकीलों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, बनिस्बत इसके कि हम लोग किस तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व में हम शामिल हों उसकी तैयारी करने की जगह। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे ना केवल रिसोर्सेज बल्कि हम लोगों का समय, हम लोगों की पूरी ताकत इस काम में लगने की जगह कि कैसे लोकतंत्र के पर्व में शामिल हों उसकी जगह के ऊपर कैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर अपने पैसों को बचाया जा सके उसमें लगे, तो किस तरीके से लोकतंत्र के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकता है। तो इस बात में बारे में मैंने पूरी अभी जानकारी दी है। आप लोग कोई प्रश्न इस पे पूछना चाहें, और मेरा स्टेटमेंट भी सर्कुलेट हुआ है, आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो बेशक आप पूछ सकते हैं। सर आप लोग राजनीतिक आरोप तो लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री तक पर उंगली उठा रहे हैं कि उनके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन पहले ITAT से कांग्रेस को राहत नहीं मिली, और इसके बाद जब आप हाईकोर्ट गए वहां पर भी आपको राहत नहीं मिली, वापस कहा गया कि आप ITAT जाइए, तो क्या ये जो न्यायिक संस्थाएं हैं ये भी राजनीति से प्रेरित हैं? इस पर आपका जवाब चाहिए। देखिए, ITAT न्यायिक संस्था नहीं है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने हमारे को वापस ITAT के पास में भेजा। हाईकोर्ट ने कोई हमें मना नहीं किया इस तरीके से, हाईकोर्ट ने कहा आप वापस ITAT के पास में जाएं और ITAT उसको देखे। ITAT के पास में जब हम लोग पिछली बार गए तो उन्होंने अपना जजमेंट बेशक हमारे खिलाफ है उसको देने में ही 2 हफ्ते 14 दिन लगा दिए। तो आप समझ लें कि जहां पे एक एक घंटा इस वक्त हमारे लिए कीमती है, वहां पर वापस ITAT से क्या जाकर के न्याय मिलेगा? और ITAT का जो दिल्ली में हेड करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी है, हम सब लोग जानते हैं। अब जो है अंततः जब तक के कोई भी इनकम टैक्स केस में या कोई भी केस के अंदर हाइएस्ट लेवल तक के जाने का मौका मिलता है, हम लोग ये कह रहे हैं कि कैसे हम लोगों के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया लोकतंत्र के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम के ऊपर हमारे अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाना चाहिए, हमारे को पूरे के पूरे उसका इस्तेमाल करा जाना चाहिए। जो फाइनल फैसला अंततः जब कोर्ट से जो होगा वो सबको मान्य होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कल को कोर्ट में जाकर के 3 महीने बाद हमारा फैसला हमारे हक में भी आ गया तो ये समय 4 महीने का हमारे को कौन और लोकतंत्र को कौन वापस देगा? तो इसको लेकर के हम लोग आगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाएंगे, कोर्ट का भी दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से जनता का दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं और आपका दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरीके से हालात हमारे देश में हो रहे हैं। माकन जी, अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट सेड दैट ये एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है, एंड द अदर कांग्रेस लीडरशिप सेड दैट दिस इज एन असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैज बीन कंटिन्यूअसली सेइंग दैट इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इज इंडिया हेडिंग, जैसी सिचुएशन है वेयर द फाइनेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इज बीइंग क्रिपल्ड, तो ऐसे में क्या इज इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स अ कंट्री लाइक अदर डिक्टेटरशिप कंट्रीज? Is it heading where the elections is one-sided and 95% votes moment, goes? As the treasurer of principal opposition party, I can say there is no democracy. If I can't spend my own money collected from my own workers, so these 285 crores we collected through crowdfunding. It also included Youth Congress's membership money, it included our membership money, it included NSY's money. So if we can't spend our own money, where is democracy? It is already there. If the present situation is not a democratic situation where the principal opposition party doesn't know how to contest election, how to send money to its candidates.
माधव सर, आप लोग किए एक आपने तकनीकी पहलू तो आप इनकम टैक्स का सब बता रहे, लेकिन बात आज आप लोगों ने मंच से राजनीतिक करी है, राजनीतिक पहलू पे बात करी है, तो एक दरवाज़ा जो है वो राष्ट्रपति का भी है, जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशंस को बचाने की और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आप पहल कर सकते हैं, क्या वो रास्ता खुला हुआ है? और साथ साथ अपोजिशन की सभी पार्टियाँ, इंडिया ब्लॉक को भी आप साथ में लेके वो दरवाज़ा खटखटाएंगे क्या? देखिए, हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी दरवाजे और सभी जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं उनको हम अपनाएंगे। कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिसको हम छोड़ेंगे और कोई भी लोकतांत्रिक तरीका ऐसा नहीं है जिसको हम अपनाने से परहेज करेंगे। हर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाएगा और हर लोकतांत्रिक दरवाज़ा लोकतंत्र का खटखटाया जाएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। सर, आप कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और वाकई आपके लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि पैसा आपके पास नहीं है, फ्रीज है। सर, सवाल ये है कि आप लगातार, राहुल गांधी ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है आपके लिए, तब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल बिल्कुल मुहाने पर है और ऐसे में जब आपके पास संसाधन नहीं होंगे तो चुनावी मैदान में क्या उतरेंगे, इसको लेके क्या विकल्प आपके पास है? देखिए, हम लोग सभी विकल्प जो लोकतांत्रिक विकल्प हैं उसको हम लोग अपनाएंगे। हम कोर्ट के, न्यायालय के सबसे बड़े दरवाजे तक के हम लोग जाएंगे, खटखटाएंगे, और जो भी लोकतांत्रिक तरीका है ज़मीन पे उतर करके लड़ने का, अपने कार्यकर्ताओं के पास में जाने का, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करने का कि हम लोगों को मदद करें, कैंडिडेट्स को डायरेक्टली मदद करें, ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे आगे आने वाले समय में, आप देखिए। लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने संज्ञान लिया, आपके सामने बताया, चिंता जाहिर करी, ये इसको हम आगे और लेकर के जाएंगे। अजय जी, यहाँ पर लगातार बात हो रही है, कल पहले चरण का अधिसूचना भी जारी हो गई, क्या कारण है कि कांग्रेस अभी तक चुनाव आयोग के दरवाजे नहीं गई है, जो इस पूरी जो कार्यप्रणाली है उस पर उसने साफ तौर पर कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सबको समान अवसर मिलेगा और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है? हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और हाई कोर्ट भी हम लोग गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी लीगल हमारे पास में पोजीशंस हैं उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम लोग सभी लीगल वेन्यूज जो हैं उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पार्टी के अंदर जो टॉप लीगल ब्रेन्स हैं, अभिषेक सिंघवी, चिदम्बरम, तनखा जी, सलमान खुर्शीद जी, सभी के सभी लोग इसमें हम लोगों को एडवाइस दे रहे हैं और हम लोग इसको हर दरवाजे पर हम जा रहे हैं। मोहित ने जो सवाल पूछा उसी के एक्सटेंशन में मैं आगे पूछना चाहती हूँ, अगर कोई और रास्ता नहीं रहता है, क्या आप लोग इस पे भी विचार कर रहे हैं कि आप चुनाव बायकॉट कर दें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर, सर आप टैक्स रिटर्न के मामले में कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हुआ है, आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड जो चुनावी बॉन्ड है उसको बहुत बड़ा घोटाला कह रहे हैं, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं चुनाव आयोग से कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमें इस बात की खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फोर्स किया है कि वो इसके बारे में बोले, और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के संदर्भ में हम लोगों ने भी कुछ कार्रवाई करी है, उसको हम अलग से प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग आपको बताएंगे, और उसको भी, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को बधाई भी देना चाहेंगे कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाध्य किया कि वो सारी के सारी बात बताए, और आगे अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये बाध्य करे सबको कि किस कंपनी ने किस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कितना दिया है और कब दिया है, इस चीज की भी जानकारी सार्वजनिक हो। तो केवल ये जानकारी सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस कंपनी ने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने जमा कराए, ये मैच भी होना चाहिए कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को और किस तारीख को दे। जब तक वो तथ्य सामने पूरा नहीं आएगा, जब तक इसमें सही मायने में सारी बातें साफ नहीं होंगी। अजय सर, एक न्यूज़ 18 के राइजिंग इंडिया में पीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाया
हुकाया कि मुझे 104वीं बार गाली दी गई है, औरंगजेब कहा गया है, 2014 से पहले भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, आज भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है, इसलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है। भ्रष्टाचार के ऊपर कौन सा एक्शन हुआ है? कोई भी एक्शन नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के ऊपर जो एक्शन होना था वो 2014 से पहले ही हुआ है। जितने भी लोगों के ऊपर केसेस बने वो 2014 से पहले ही बने, 2014 के बाद तो कुछ नहीं हुआ है। You're saying that there's no level playing field with the freezing of your account. So how are you planning to take this message forward to the people of the country that the level playing field is being deprived to the Congress party? Well, we are taking it through the press conference. This is the first step which we have done, and it is not the first time that I am doing so. This is my third press conference on this issue. So after two press conferences, which I did alone, I thought that it is very much required that the senior leadership also should be present so that it passes on to the people. So I am very happy, we are happy. I thank Jairam Ramesh ji, he could organize senior leadership also speak on this issue. Tomorrow, PCC presidents across the country and also our ex-chief ministers across the country, they are also taking up this issue through various press conferences. And then we are going to hit the ground also on this. So we have a plan in place and we are going to take up. Sir, yesterday the Home Minister reiterated that the electoral bonds is basically to remove the black money. It was in some level able to do so. But the Congress party and the other opposition parties are frustrated because the old system of hafta vasuli or the cut money is not possible anymore. That is why they got 5 times more than the principal opposition party. They've got 5 times more than the principal opposition party. That is why they are unable, the SBI is unable to tell so far which company has given how much to a political party and when. So if it is not black money, then it should be open. Then all the companies, which company has given to which political party and when, should be open. Let me answer your question. We have done an analysis, which I will be putting out shortly. Out of the 8,000 crores of electoral bonds that the BJP has got, we have been able to directly correlate 4,000 crores of electoral bonds with 4 lakh crores of contracts. This is chanda do, dhanda lo. That's all it is. This is chanda do, dhanda lo. 4,000 crores out of 8,000 crores is directly linked with 4 lakh crores worth of contracts awarded by the government of India, not by any state government, awarded by the government of India. So the Home Minister should get his facts right.